हाँ जी, देखो हम बाप को देखना चाहते वहीं से ठीक है कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे, जितनी ऊंचाई से देखो ज्यादा अच्छा दिखता है। ऊंचाई से जमीन देखें तो अच्छा रहता है। आज इस प्रेस दिवस के अवसर पर हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुंडू जी और यहाँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी, संपादक अमर उजाला श्री राकेश भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री पीसी रोमी जी, अर्चना फिरोज जी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन श्री नेगी जी और यहाँ गणेश दत्त जी और उपस्थित सभी यहाँ मित्रों, मैं बहुत आनंद से आपकी बात को सुन रहा था और मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि अगर मैं पहले आ गया होता तो और भी कुछ सुन सकता था। आप जो कोई बात जब सुनने को मिलती है तो स्वाभाविक रूप से वो बात सिर्फ सुनने तक ही नहीं, वो सीखने को भी मिलती है। आज आपके लिए सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, ये भारतीय प्रेस परिषद का ये स्थापना दिवस है। 16 नवंबर 1966 को परिषद की स्थापना हुई थी, जिसके संदर्भ में आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर कही भी होगी और मैं सबसे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन जर्नी, इस पर उससे पहले प्रमुख वक्ताओं ने, आप छोड़ दीजिए, मतलब फोटो हो गया, आप हमारे फोटो हो गए, बहुत हो गए, इनके पास सबके पास हमारा फोटो है, बीच में रहेंगे तो भी दिखेंगे। तो इस पर बहुत विस्तार से आपकी चर्चा भी हुई है जो मुझे बताया गया। अब मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस थोड़ा समाप्त करते हुए संजय कुंडू जी ने जानकारी दी, कुछ पॉइंट्स उसमें से ध्यान में आए और मुझे लगता है कि बहुत सार्थक चर्चा आप सब की हुई है। और संजय कुंडू जी पुलिस महकमे के आदमी, पहली बार ये महकमा पुलिस वर्ग के पास नहीं, एक बार इनके लिए भी नया अनुभव है, आपके लिए भी जाते हैं। जब इमरजेंसी लगी थी तो आईपीएस ऑफिसर केपी प्रसाद, उनको इन्फॉर्मेशन का सेफ्टी लगाया था दिल्ली। अच्छा, ऐसा दौर तो नहीं आने वाला, इसीलिए तो नहीं रख दिया सर। काम है, कहीं भी रह करके कोई अच्छा काम करे तो मुझे लगता है कि उसका कोई उस तरह से संदर्भ नहीं है। मित्रों, स्वाभाविक रूप से हमारे और आपके जीवन की बहुत सारी सिमिलरिटीज, बहुत सारी चीजें बड़ी साझी हैं। हम सबको हर रोज परफॉर्म करना पड़ता है और जब परफॉर्म करने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से उस शब्द के पीछे कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। हम राजनीतिक क्षेत्र में तो इस दौर में से सुबह शाम गुजरते हैं। हमारे सामने पार्टी है, उसके जो विपक्ष में है उसके उस दौर में से गुजरते हैं, पार्टी के भीतर भी होते हैं, उस दौर में से भी गुजरते हैं, वहां भी प्रतिस्पर्धा होती है और इस दौर में से आप सबको भी गुजरना पड़ता है। शायद मेरे को लगता है कि वे एक समाचार पत्र दूसरे समाचार की अपनी प्रतिस्पर्धा को उस अंदाज से देखता है कि मैं कैसे आगे निकलूं। स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक स्वागत योग्य चीज होती है।
और उसके साथ साथ में आपके बीच में भी ऐसे भी होता है कि भाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आपके वहां पर भी तो प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए इस प्रतिस्पर्धा के दौर में से जब हम सब लोग गुजर रहे हैं तो एक बात हमको मान करके चलना पड़ेगा कि मेहनत का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका दूसरा कोई पर्याय नहीं है, कोई शब्द नहीं है। आखिरकार काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पिछड़ जाएंगे। चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, चाहे वो इंडिविजुअल की बात है। ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात एक आज इस दौर में हम और आप सब लोग गुजर रहे हैं और जिसके बारे में हम सब को मान के चलना पड़ेगा, ये सत्य है और यथार्थ सत्य है। और दूसरे उसके बाद एक विषय सबसे बड़ा ये आता है कि आखिरकार हम हैं तो मनुष्य ही, अपना परिवार भी होता है, अपना समाज भी होता है, समाज के प्रति दायित्व तो भी होते हैं। हम समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, हम परिवार के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, ऐसी परिस्थिति में काम हम तभी कर पाएंगे जब एक सुरक्षा का माहौल भी होगा। और जब सुरक्षा के माहौल की अगर हम बात करें, वो भी दौर हमारे और आप सबके लिए एक जैसा ही है। और ऐसे दौर में से जब हम राजनीतिक लोग जो गुजरते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने भी ये बात आती है कि क्या हम चले रहें, बने रहें, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, उसको कहता अंदर से कहता है। और ऐसी परिस्थिति में हम आगे बढ़े, ये भी मानवीय स्वभाव है। और यही भाव स्वाभाविक रूप से आपके इस पे भी ये होता, हम समाज के लिए भी काम करते रहे, हम परिवार के लिए भी काम करते रहे, हम सुरक्षित होकर के काम करें। ये भाव जब स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य के मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, तो कई तरह के दबाव में से वो गुजरता है। आप इस बात को अनुभव करते होंगे, आप हाथ में कलम उठाते होंगे, उसके बाद आप लिख देते हैं, मन करता कि ये लिखना चाहिए, लेकिन दूसरे पल ख्याल आता है कि नहीं, अगर मैं ये लिखूं कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, और नाराज लोग हैसियत रखते हैं, और हैसियत रख करके हमारे लिए बाधा कर सकते हैं, परिवार के लिए परेशानी हो सकती है, हमारा काम जो है, जिस सुरक्षा का जो भाव जो है उसमें असुरक्षित असुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है, और उसी कलम से जो लिखा होता है आप लोगों ने उसको आप काट देते होंगे। ये इस दौर में मैं कह सकता, कोई भी जर्नलिस्ट जो है नहीं गुजरा होगा, ये हो ही नहीं सकता, बहुत कम होंगे, बहुत। इसलिए संतुलन की भी आवश्यकता, लेकिन सत्य भी आना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। और खास तौर से मैं समझता हूं कि हम तो उस दौर में से गुजरते हैं जब निर्णय करने की परिस्थिति होती है, हम जब दायित्व छोटा था तो दायित्व में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट रूप से सीधे रूप से हमारी उसमें फिक्स नहीं होती थी कुछ जगह। आज काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जिस दायित्व पर है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मना नहीं कर सकते, उससे भाग नहीं सकते। इसलिए बहुत इस काम में हम और आप बहुत इस दौर में से गुजरते हैं, मानसिक तनाव के दौर में से भी गुजरते हैं, मानसिक एक जो दबाव का एक भाव होता है, दब जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। आप भी कलम उठा करके लिखते होंगे मैंने ये लिखना है, काटते होंगे, फिर उसके बाद फिर मन आता नहीं मैंने ये लिखना है, ये मैं अपने जो है इसके साथ इसका समझौता नहीं करूंगा। कई बार हम लोग भी ऐसे दौर में होते हैं कि उस निर्णय को करने के लिए हमको लगता है कि ये निर्णय करना उचित है, दूसरे पल में लगता है कि उस निर्णय से वो एक सेक्शन नाराज होगा,
लेकिन फिर भी लगता है हमको नहीं, ये निर्णय इसलिए करना उचित है कि ज्यादा जो वर्ग है वो लाभान्वित होगा, ज्यादा वर्ग के सामने सही पक्ष जाएगा, इसलिए उसको करना जरूरी है, इसलिए उसको करते हैं। तो ये एक एक सचमुच में एक हकीकत है, सच्चाई है जो जो हमारे जीवन के इसमें से दौर में से जिसमें से हम गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के साथ दूसरा विषय अगर आता है वो आता है विश्वसनीयता का, और विश्वसनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाजमी है। अगर विश्वसनीयता टूट गई तो सालों लग जाते हैं उसको हासिल करने के लिए। और आज के इस दौर में हम आप फिर इस दौर में से गुजर रहे हैं, सब लोग गुजर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है विश्वसनीयता के मामले, नेताओं के बारे में तो सामूहिक रूप से चौक चौराहे पर आप सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति ना निर्मित हो कि मीडिया जगत के बारे में भी विश्वसनीयता पर चौक चौराहे पर बात होने लगे। इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, ये बहुत बड़ा कठिन और बहुत जटिल काम भी है, और इस दौर में मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हमारा जो होना तो हो गया, इसे ठीक करना इतना सरल नहीं, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं तो मुझे लगता है कि बचाना चाहिए, अन्यथा ये परिस्थिति उस दिशा में बढ़ती जा रही है। हालांकि ये पैनलिस्ट जो यहां पर सामान्य बैठे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, ये उन्होंने अपनी बात कही भी आप लोगों तक, लेकिन ये सच्चाई है। मैं किसी तरह से अलग तरह की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भावनाओं को के प्रति इस प्रकार का विषय नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, इस दौर में से गुजर रहे। अब जैसे यहां छोटा सा एक उदाहरण दिया कि अभी दो दिन पहले सोशल मीडिया में खबर चली कि लता मंगेशकर जी नहीं रही, और जब ये खबर सोशल मीडिया में चली तो मैं एक जो है वो रामपुर के जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है रवि का, उसके कल्चरल प्रोग्राम में था, कैलाश खेत मंच पर थे, और जब मैंने अपने मोबाइल पर इसको देखा, मैंने एक जगह चेक किया, दो जगह चेक किया, कुछ जगह था कुछ जगह नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गया था। एक मन किया, मुझे लगा कि मैं लता मंगेशकर जी जब वही आज इस वक्त हमारे चले, हमको कार्यक्रम यही स्थगित करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये हमारी एक अंदर से भावना आई मुझे कि हमको ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यही रोकना चाहिए। मैं मंच पर सूचना दूं कि ऐसी दुखद घटना समाचार मिला, तो इसलिए कार्यक्रम यही स्थगित किया जाए। उन एक महान एक गायिका के प्रति हमारा इतना भाव तो जागृत होना चाहिए। लेकिन पता नहीं दिमाग में मेरे एक बात आ गई, मैंने किसी को मैसेज किया कि टेलीविजन के चैनल पर ऑन करो, आप पता करिए कि ऐसी खबर चल रही है, क्या ये सच है, ये बड़ी पुरानी बात नहीं, एक दिन दो दिन के पहले की बात। जब मैंने किसी को संदेश किया, संदेश करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, टेलीविजन पर तो खबर नहीं है, तो मैंने कहा चैनल बदल दे भाई, क्योंकि अब ये परिस्थिति आगे देखिए, होना तो ये चाहिए था कि अगर एक टेलीविजन के चैनल पर अगर खबर चल रही है या नहीं चल रही है तो उस पर ही विश्वास होना चाहिए। लेकिन विश्वसनीयता का विषय यहां देखो कहां किस स्थिति तक आ गया। मैंने कहा भाई दो चार चैनल घुमा करके देख ले, फिर उन्होंने दो चार चैनल घुमाए, घुमाने के बाद आखिरकार फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्योंकि सॉन्ग था, शोर था, बात नहीं हो पा रही, तो उन्होंने मुझे मैसेज ही किया व्हाट्सएप पे कि नहीं ऐसी कहीं भी खबर नहीं है। तो मैं रुक गया उस सूचना को देने के लिए, मैं वही रुक गया। बात छोटी है बड़ी है, लेकिन इसका संदर्भ कितना किस तरह से जुड़ा हुआ। अगर विश्वसनीयता की अगर हम बात कहें तो आप इस बात को मानिए कि इसकी गंभीरता कहां तक है। मुझे चैनल वाले को कहना, उस आदमी को कहना पड़ा कि एक नहीं चार चैनल देख ले तू, ये भी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा एक जो है प्रश्न खड़ा कर रहा है। और उसके साथ साथ में सोशल मीडिया में इस तरह की खबर आना और वो वायरल हो जाना, ये सारे दौर जो है हमारे लिए विचलित करने वाले सच में।
जिस प्रोफेशन से जिस कार्य से हम जुड़े हैं, और उसके साथ साथ में जो बहुत सारी चीजें आजकल जो इस सोशल मीडिया का एक इंपैक्ट जो आ गया, और इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा, दौर है, इसको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन इस दौर पे खराबी भी किस स्तर तक आ गई कि किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, इसमें मेरा एजेंडा है, मैंने इसको ये करना है, इसको नुकसान पहुंचाना है, आप कुछ एक कागज पकड़ो, लिखो और उसको वायरल कर दो, और उसका वो डाल करके जो है उसको वायरल करो, कोई नहीं पूछेगा कि जो तुम छाप रहे हो, तुम ये सर्कुलेट कर रहे हो, इसमें हकीकत है कि नहीं है। सोशल मीडिया में तो वो जो चल रहा है वो चल रहा है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति हमने देखी कि इतने महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस और बड़े ऐसे जिनके ऊपर विश्वास वर्षों का टिका हुआ है समाचार पत्रों पर नेशनल लेवल के, वो उन सारी चीजों को किसी ने चिट्ठी भेजी है, किसी ने क्या लिखा है, इसको वेरीफाई किए बिना अखबार में लिखा देते हैं। ये सचमुच में क्या इस विषय पर हमको विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं, क्या आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स रिलायबल है कि नहीं, उसको जिसको आप छाप रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चीज। और जिस व्यक्ति के खिलाफ जब इस प्रकार का काम किया जाता है, वो एक बहुत मानसिक तनाव के दौर में से गुजरता है, और उसका एक जो है सच्चाई है तो उसको लिखिए, लिखना चाहिए, सोर्स है आपके पास, रिलायबल सोर्स है, लिखना चाहिए, डट कर करना चाहिए, उसमें वही तो खासियत है आपको तारों में, वही तो एक हकीकत है, जो हकीकत जो है वो सामने आए तो उसमें आनंद ही कुछ और है। हमने पिछले कुछ दौर में ऐसे देखे कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो है सोशल मीडिया में जो हकीकत नहीं थी सर्कुलेट हुई, सर्कुलेट हो सोशल मीडिया में नहीं, कई जगह समाचार पत्रों में हुब जो जैसा वो पत्र किसने भेजा था, कहां से भेजा था मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समाचार पत्र में छाप दिया गया। क्या हम उसी व्यक्ति का एजेंडा, जिस आदमी का एजेंडा किसी को व्यक्तिगत रूप से डैमेज करने का है, क्या हमारा भी एजेंडा वही बन गया क्या? ये हमारे लिए सचमुच बहुत चिंता का विषय है। इस सारे दौर में से हमने अब कैसे अपने आप को बाहर निकालना, ये मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। और आगे बढ़कर के अगर हम देखें, बहुत सारी चीजों में देखें, जो यहां मुख्यक जी ने भी बात कही, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही बात, जो विशेष तौर से जो जर्नलिज्म में जो मॉडल ही चेंज हो गया आज के इस दौर में, और इस मॉडल में जब चेंज हुआ है स्वाभाविक रूप से अच्छी भी चीजें हुई हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ गए, टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि हम जल्दी से कुछ सेकंड में कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, लेकिन उसके साथ साथ में जो खास तौर से हमारे ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि आखिरकार हम भी एक सिस्टम में काम करते हैं, हम यहां काम करते हैं, हमारे से ऊपर कुछ और हैं, उनसे ऊपर कुछ और हैं। अगर समाचार पत्र में एक जगह कहीं खबर आ गई और दूसरी खबर वो दूसरे जगह वो कहीं खबर वो मिस हो गई, तो स्वाभाविक रूप से जो उस पर आपको भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ में कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि बहुत कठिनाई का दौर होता है। ये मॉडल चेंज करने, मॉडल चेंज होने की भी बात, उसमें और भी बहुत सारे विषय जुड़ गए। ये विषय जैसे आ रहा था यहां पर कि दौर था एक तब मीडिया में रिलेशन से चलता था, उस पर डिपेंड होता था, आपके रिलेशनशिप से मीडिया को, लेकिन आज के दौर में रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उसका स्थान ले गया। अब हम चुनाव लड़ते हैं, सीधी सी बात है, तो जब हमारी चुनाव की तैयारी होती है तो मीडिया मैनेज करने के लिए क्या प्लान है आपके पास? प्लान का मतलब भी आप कैसे करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, वो एक
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में भी आपको उतारो, ऐसी परिस्थिति में भी सच्चाई के साथ लिखना और जो लिखा है उस पर अड़े रहना, खड़े रहना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, ये जब आदमी सत्य पर लिखता है, अब सत्य पर भी यहां पर प्रश्न आया कि भी सत्य को सत्य हाउ डू यू डिफाइन सत्य। सत्य तो जो वर्तमान परिस्थिति है, वो जो आप वर्तमान में आज जो सत्य है वो उसका ही जिक्र कर सकते हैं। जो लिखना है आपको, आज लिखना तो आज जिस संदर्भ में है, जिस संदर्भ में आप लिख रहे हैं, तो आज के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो वो सत्य है। आज सत्य क्या है वही लिख रहे हैं, कल सत्य क्या होगा, पहले क्या सत्य रहा होगा, वो सारा विषय अलग से विषय हमारा डिस्कशन का हो सकता है। तो ये इस तरह के मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक ये फेज है जिस बात को लेकर के आप सब लोग ये कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे समाचार पत्रों में सारी चीज को देखा है। अब क्या होता था कि एक दौर होता था समाचारों के संदर्भ में, मैंने पिछली बार भी जब हम मिले तब जिक्र कर रहे थे कि सुबह की बस में अखबार डाली जाती थी और शाम की बस वो कहां कहां पहुंचेगी, उसमें वो अखबार जो है वो बंडल डाल करके उतारे जाते थे, वो शाम को पहुंचती थी कई जगह गांव में, दूर दराज के इलाके में। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है उस बस का इंतजार करते थे, उनको सफर नहीं करना होता था लेकिन अखबार का इंतजार करते थे, इस बस में खबर वो अखबार आएगी, और अखबार आएगी उस अखबार को लेकर के फिर उसको पढ़ते थे। पढ़ने के बाद फिर एक आदमी, ऐसा नहीं कि भी पढ़ते अक्षरशः पढ़ना, उसके बाद फिर दूसरा आदमी पकड़ेगा, तीसरा आदमी पकड़ेगा, पूरा एक अखबार पूरे गांव के लिए भी वो पूरा एक बहुत महत्वपूर्ण एक वो बनता था, एक कभी जानकारी हासिल करने का माध्यम बनता था। आज की परिस्थिति वो नहीं है, आज की परिस्थिति टेक्नोलॉजी के युग में सारी चीजें चेंज हो गई, और जो चीजें चेंज हो गई, अब आज हम देखते हैं कि समाचार पत्र का हमारे सामने जब वो रखा जाता है तो पूरी समाचार की पूरी एक एक शब्द में जाना संभव नहीं हो पाता, कितने हमारे पास समय की भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि आम आदमी भी वो भी हेडलाइन तक जो है ज्यादा फोकस रहता है, हेडलाइन लगी है आगे पलट दिया, दूसरी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथा पेज पढ़ लिया, और उसके बाद जो रेलेवेंट पोर्शन उसने जो देखना था वो देख लेते, उसके बाद फिर। तो ये भी एक सचमुच में जो एक सही लेखन जो होता है वो आपके एडिटोरियल के माध्यम से, सही लेखन आपका तब होता है जिस पर आपने कोई विश्लेषण किया हो। खबर के रूप में होती है वो, एक जानकारी के रूप में होती है, एक सूचना के रूप में होती है, और उसको उस रूप में। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से पहले जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता था वो समाचार महत्वपूर्ण होता था, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी अगर मुझे समाचार की अखबार देखने को मिलती है तो मैं कोशिश करता हूं हेडलाइन देखूं एक बार, और हेडलाइन के बाद उसके एडिटोरियल इस पे जाऊं, वहां क्या है, उसमें से क्या है, क्यों, क्योंकि वहां सही मायने में आदमी ने जो लिखा होता है वो एक आकलन होता है, वो एक असेसमेंट होता है, उसमें अध्ययन होता है, उसमें रिसर्च भी होती है, उसमें मेहनत भी होती है। तो उस सारी चीज को लेकर के कम से कम मतलब उस सारी चीज में एडिटोरियल वाला जो पार्ट है जिस पर हम जो देखते हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस ये आज की आवश्यकता है। कहीं तो हम एक जगह जहां पर जो है उस अखबार को अच्छी तरह से
जो है वो जानकार उसको पढ़ करके जो है उसको अध्ययन करके जो है उसकी जानकारी हासिल करने की गुंजाइश रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं देखता हूं कि आज के संदर्भ में बहुत जो बदली हैं और ओपिनियन बनाने में देखिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ओपिनियन जनरेट करने के बारे में बहुत बड़ा ओपिनियन होता है, और चाहे आप लिख कर करते हैं चाहे आप बोल करके भी करते हैं, क्योंकि आपस में भी मीडिया वाले जो है वो ओपिनियन जनरेट करने के लिए तो होता है, क्योंकि जब फ्री टाइम बैठते हैं डिस्कस करते हैं किसी इश्यू पर डिस्कस करते हैं कि वो आदमी कैसा है वो आदमी कैसा है वो उसने ये किया सरकार ने ये किया ये ठीक किया गलत किया, ये सारी चीज पर जो है एक ओपिनियन जनरेट, जो ओपिनियन आप जनरेट करते हैं उसको अगर जब लिखते हैं वो भी नीचे तक जमीन तक उसका इम्पैक्ट जाता है। ओपिनियन आप डिस्कस करके जो इंटेलेक्चुअल जैसे आप अभी यहाँ पर डिस्कशन पैनल डिस्कशन हो रहा था तो उसमें भी जो बात कहते हैं तो उसका भी एक महत्व होता है, उसमें से भी बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती है जो बड़ी महत्व की होती है बहुत आवश्यक होती है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है कि बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया के इस बदलते परिदृश्य में इस हालात में हम जो देख रहे हैं उस दौर में जब हम गुजर रहे हैं तो हम सब लोगों को बहुत सजग और सजग होने के साथ साथ में जिम्मेवारी के साथ और हकीकत जो सच्चाई है जिसमें हमने हमेशा जो बात कही है जो विश्वसनीयता वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कायम करने के लिए हम सब लोगों को आप सब लोगों को काम करना है और आप काम करते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कम से कम एक बात को हम मान करके चले कि दूसरे राज्य के तुलना में हिमाचल में अभी तक हमारे प्रदेश में बहुत फर्क है, वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि स्थिति जैसे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई जितनी विश्वसनीयता मीडिया जगत के बारे में समाज में होनी चाहिए थी उसमें डाइल्यूशन जब देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे लिए चिंता का विषय जिसकी कुछ अंश क्या बोल सकते हैं हम जिसकी क्वांटिटी हम देख रहे हैं कि जहां हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलती जो चिंता का विषय उसको ठीक करने की अपने अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। और मेरी बात को इस तरह से क्योंकि मैं कह रहा हूं उस बात हम खो चुके हैं, खोने के बाद इस पीड़ा को अनुभव करते हैं। हम का मतलब अभिप्राय मेरा जिस कम्युनिटी से मैं हूं जिस इस पे हूं जिस व्यवस्था में हूं मैं नेताओं के बारे में सीधी बात कह सकता हूं और नेता अपने बारे में जो है वो ऐसी बातें कम कहते हैं, उनको अपने बारे में अच्छा बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये हकीकत है ये सच्चाई है जो हम खो चुके हैं कम से कम आप मत होइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप नेता बन सकते हैं लेकिन हम पत्रकार को भी बन पा सकते हैं, हमारी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिंदगी में मैं कई बार कहता भी हूं अगर मौका मिला तो कभी कुछ लिखने का मौका मिलेगा किसी दौर में तो जरूर लिखेंगे कुछ, लेकिन अच्छा लिख सकते हैं लिखना चाहिए लिख सकते हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते थे, और लिखना अपने स्वभाव में है, मैं लिखने लगूं तो अच्छा लिख सकता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन चल रहा है इसलिए नहीं तो खैर बात ठीक है, चलो हम आपके यहाँ एनक्रोचमेंट नहीं करते, जो एनक्रोचमेंट के दौर में से हम गुजर रहे हैं, कोई आदमी कोई अब से रिटायर होता वो भी बोलता कि आप टिकट दे दो, कोई जर्नलिस्ट जो है वो खूब लिख लाख करके थोड़ा अच्छा अच्छा ये बन जाती है पहचान, वो बोलता कि टिकट दीजिए मुझे भाई, तो हमारे यहाँ इंक्रूटमेंट सब तब से तो बहुत ज्यादा, और कोई ऊपर कोई सेलिब्रिटी बन गया तो वो तो हमारे लिए आफत होती है, हमने 20 वर्ष की कमाई जो है वो कहाँ खतरे में डाल दिया, कोई खड़ा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीजों को लेकर के, लेकिन फिर भी हम अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो एक रिश्ता आपस में मीडिया के साथ कायम रहने के साथ साथ उसी के माध्यम से हम सारी चीजों का संचालन करें, मैनेजमेंट
जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो तो एक बात है, लेकिन वो चीज उसमें नहीं होती है जो रिलेशन में होती है। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना है, और आज के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, तो इसके लिए आज का ये दिन 16 नवंबर का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और इस दिन सब लोगों से सामूहिक रूप से मिलना हुआ, और ये मुझे और भी अच्छा लगा जब आप प्रश्न पूछ रहे थे और पत्रकारों से ही प्रश्न पूछ रहे थे। तो और पत्रकार उनका जवाब दे रहे थे, और कुछ लोग उनसे सहमत हो रहे थे, कुछ लोग पत्रकार की जवाब से ही सहमत नहीं होते थे। ये भी यही एक लोकल यही एक विषयता है डेमोक्रेसी का, किसी को अपने विचार की स्वतंत्रता कह सकते हैं, और लोकतंत्र की अंदर यही हमारे पास खूबी है। तो इसलिए अपने अपने विचार अपने अपने जगह होता है, उनका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये दौर हमारा सदस्य मुलाकात का बना रहे, बनता रहे, मिलते रहे। आप सबको एक बार आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निदेशक सूचना जनसंपर्क।